हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं सोकर उठा हूँ। आज थोड़ा जल्दी उठ गया मैं सोकर। और हाँ यार, मैं 3 दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। 12 को मैं सुल्तानपुर आया, 13, 14, 15 मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ से आने के बाद ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल करते वक्त या अबाड़ी में बहुत ज़्यादा पानी से नहा लिया था, तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, इसलिए 3 दिन ब्लॉग नहीं आ पाया है। और 3 दिन का ब्लॉग नहीं आ पाया है, बाकी 14 तारीख तक तो ब्लॉग आया ही था क्योंकि वो अबाड़ी वाला जो 3 पार्ट बन गया था, सो वो उतना वीडियो तो आया था। बस 15 का ब्लॉग नहीं आया, 13, 14, 15 नहीं, 13, 14, 15 हाँ ब्लॉग नहीं आ पाया। लेकिन आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेरी तबीयत काफ़ी बेटर हो गई है। सो आज का प्लान जो है सुल्तानपुर में, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं जाना है, कहीं घूमने फिरने का कोई प्लान नहीं है। आज कल रात में ऐसे मैं बैठा हुआ था, दादी ने कहा कि छत पे जो गमले बहुत रखे हुए हैं बहुत सारे ख़राब हो गए, मतलब गिर गए हैं, लकी ने बहुत सारे गिरा के तोड़ दिए हैं, तो ऊपर थोड़ा सफाई करनी है। गमले वगैरह, पेड़ वगैरह अच्छे अच्छे से जो है उसमें बहुत सारे घास उग गए हैं, तो उन सबको साफ़ करना है। सो आज चलते हैं, यही सारे काम करते हैं। आज थोड़ा पेड़ पौधों की सेवा कर दी जाए, फिर उसके बाद आज तो मेरे हिसाब से पूरा दिन इसी में निकल जाना, क्योंकि एक दो गमले नहीं है यार, बहुत सारे गमले हैं, तो उनको साफ़ करने में टाइम लगेगा। सो चलिए साफ़ करते हैं सारी चीज़ें और आपको दिखाते हैं। हो सकता है अगर नए पेड़ की ज़रूरत पड़े तो हम जाएंगे, नए पेड़ भी लेके आएंगे और लगाएंगे उसमें। तो चलिए, ये देखिए आप लोग, मेरे टेरेस का इतने गमले तो ऑलरेडी ने लकी ने तोड़ डाले हैं। और ये हाँ, लौकी फरी है, लौकी निकली हुई है, ये पेड़ है। बाकी आप सारे गमलों का हाल देखिए, बहुत बुरा हाल हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी घास इसमें निकल आई है, सारी साफ़ करनी पड़ेगी। ये सारे पेड़ ठंडी की वजह से सब सूख गए हैं बहुत टाइम से। एक गमला लकी ने तोड़ दिया है, बहुत टाइम से दिख रहा है। इस गुलाब की हाल देखिए, पेड़ का क्या हाल हुआ है, सारी चीज़ें साफ़ करनी है। तो चलिए सफाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। यार ये घास निकालना इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, इसको निकालने में बहुत मेहनत लगने वाली है। ये पूरा मतलब एकदम अंदर मिट्टी में ऐसे जकड़ बना ली है पूरा, मतलब देख रहे हैं आप इसकी जड़ देखिए, ये पेड़ को और ख़राब करती चली जा रही, पूरा इसके अंदर ऐसे पूरी मिट्टी घुस गई, पूरी मतलब जड़ घुस गई है मिट्टी के अंदर, और ये एकदम ऐसा बांध ली है अंदर जाके, देखिए पूरा आप यहाँ पर। इसको हमें बहुत मेहनत से साफ़ करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं, मेहनत लग करते हैं इसमें भी। यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अभी अचानक से धूप हो गई है और काम करते करते बहुत गर्मी लग रही है। अभी देखिए इतना यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है इस एरिया का, और अभी इस एरिया का काम बाकी है, इतना अभी करना है। और इतनी जो घास है अभी तक जल्दी निकली है, और चलते हैं यार ये भी फटाफट करते हैं कम्प्लीट, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। लकी का कारनामा देखिए आप लोग, पूरा मतलब अच्छा खासा गमला इसने तोड़ डाला है। चलें इसको भी सही करना, अब सही क्या है, तो सही नहीं होने वाला,
पूरा पेड़ भी ख़राब हो गया, काफ़ी टाइम से पड़ा है, तो देखते हैं। या तो अगर पेड़ देखेंगे सही होगा, वैसे तो सही नहीं क्योंकि पूरी जड़ वगैरह इसकी सब ख़राब हो गई है। चलते हैं अभी देखेंगे, अगर कुछ पेड़ इसको चेंज करके गमला अगर ठीक होने लग रहा है तो ठीक करेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं। चलिए अभी पहले घास साफ करते हैं हम लोग इस इधर वाले एरिया की पूरी। आप लोग ये देखिए, ये गमला मैं ऐसे उठा रहा था और ये टूटता चला जा रहा है यार। इसकी बहुत बुरी हालत है। अब तो मैंने सोचा था ये बन भी जाएगा, लेकिन ये बनने लायक भी नहीं है। चलो इसको फेंक ही देंगे, ये पेड़ भी बेकार हो चुका है, तो कोई मतलब नहीं, इसको भी फेंक देते हैं। और यार पूरा सब कुछ साफ हो चुका है, अब इन पेड़ों को थोड़ा राहत मिलेगा। सारे पेड़ में से सारी हमने सफाई कर दी है सब गमलों की, और ये सारे देखिए। और यार इतनी गंदगी निकली है, मतलब इतने सारे पेड़ इतनी गंदगी। अभी एक दो पेड़ उधर बचे भी हुए हैं, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, उसको भी साफ़ कर देंगे अभी। और साफ, जब चीज़ें साफ़ रहती हैं ना तो अच्छी भी लगती है। आप देखिए सारी चीज़ें कितनी साफ़ लग रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा बहुत इधर झाड़ू वगैरह मारना रह गया है, इसको भी झाड़ू मार के सारी चीज़ उठा लेते हैं और इसको हम साफ़ करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको भी इसी में फेंक देते हैं, कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ दूसरा गमला रख के, क्योंकि हमारे पास अभी एक्स्ट्रा गमला, इधर देखिए आप लोग, ये सारे गमले खाली भी पड़े हैं, लगभग 13 गमले यहाँ खाली पड़े हैं। तो 13 गमलों में सब कुछ हम लोग पेड़ ला के लगाएंगे। सारे जाएंगे अभी, आज तो नहीं जाएंगे, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो देखते हैं किसी दिन जाएंगे, पेड़ लेके आएंगे ढेर सारे अच्छे, फिर सारे गमलों में पेड़ लगा के यहाँ अच्छे से गार्डन अपना पूरा करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप देखिए यहाँ पे मेरा घर तो पूरा हरा भरा एकदम से दिखता है। पूरे देखिए कितना, ये पूरा मेरा घर ही एकदम, जैसे ऊपर से आप देखोगे एकदम जंगल बोल दीजिएगा। इतने सारे पपीते लगे हैं हमारे घर पे, बहुत पपीते फरे हैं। यहाँ देखिए ये लौकी है पूरे छत पे, लेकिन एक भी लौकी अभी तक नहीं हुई है। लौकी में शायद कीड़े लग गए हैं, तो इसकी वजह से लौकी नहीं फर रही है। देखते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़, इसमें भी दवा वगैरह ला के डालेंगे पूरा। ये इधर से ये मेरे घर का फ्रंट है पूरा, देखते हैं। ये सब भी साफ़ करना है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो नीचे हमने पूरा लखनऊ से मैं घास वगैरह भी लाया था, ग्रास नीचे पूरा गार्डन वाली उसको लगाया हूँ मैं। स्टेडियम की ग्रास है, वो अच्छा लगता है देखने में। बस लेकिन ये है कि पपीते की वजह से नहीं अच्छे से हो पाया, तो पपीते को भी थोड़ा देखते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करने पर। आप देखिए कितने सारे वहाँ पे पपीते, कितने ढेर सारे हुए हैं, वो सब भी सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे अभी पहले। लेकिन आज ऊपर वाला काम कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला करते हैं। और जेम्स भाई, क्या हाल चाल तुम्हारे? ये हमारे घर का जेम्स सबसे पुराना है, मतलब 6 या 8 साल हो गए हैं इसको, 8-9 साल हो गए हैं, 8-9 साल से है हमारे घर पर। कमज़ोर हो गया, कुछ खाता ही नहीं है, खाता पीता नहीं, खाली इसको कह दो दौड़ने भागने के लिए, दौड़ेगा भागेगा खूब, पूरे मोहल्ले में दंगा फसाद, पूरे मोहल्ले में दंगा ही करता है, ये गुंडा बनेगा रे। इसका आप देखो ये कट कितने सारे हैं, पूरा खलनायक बना है, फिल्म का हीरो है खलनायक। कालीन भैया, ये हमारे घर का कालीन है, कालीन भैया मिर्जापुर वाले। तो चलिए फटाफट ये भी हटाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं और कुछ खाएंगे पिएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। लगभग 1 बज गए हैं ये सारी चीज़ें करते करते। मैं 9 बजे से, 7 बजे मैं उठ गया था, 9 बजे से मैं सारी चीज़ें करना चालू किया और 1 बज गया यार करते करते। बहुत मेहनत लगती है, और हाथ देखिए आप, हाथ के हाल क्या हो गया है पूरा। चलते हैं ये सब साफ करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं।
आज का काम हो चुका है कंप्लीट। आज पूरा मतलब साफ सफाई मैंने कर दी है, अभी कुछ करना नहीं है। और छत काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गई है, इतने एरिया की जो मेरा पूरा गार्डन है ये पूरा देखिए आप, अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। जो गंदगी थी उसको भी मैंने फेंक दिया दूसरी जगह। अभी मैं चलता हूँ, सिर्फ नहाना है मुझे और मैं थक भी गया हूँ बहुत ज़्यादा। गर्मी सी लग रही है ठंड लेकिन लग रही है गर्मी। अभी चलते हैं नहाते हैं, फिर उसके बाद मैं खाना खाकर फिर मैं सो जाऊँगा और मिलते हैं आपसे फिर शाम को। Hey guys, good evening, शाम के बज रहे हैं 6 और मैं अभी जस्ट सोकर उठा हूँ और सर बारी बारी सा हो गया है आज यार। बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी, बहुत मतलब उसको साफ़ करना है यार, मतलब पूरा हाथ हाथ अगर आप देखिए एकदम पता नहीं कैसा हो गया है नाखून के पास, आप देखिए इतना अजीब सा हो गया है। और यार बहुत ज़्यादा थकावट लग गई थी और मैं बहुत सोया, लगभग मैं 2 बजे से सो रहा हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं। अब मुझे रात में नींद वैसे भी नहीं आने वाली है। अभी यार इसके बाद मुझे एडिटिंग करना है, मैं इसके बाद जा रहा हूँ एडिटिंग करने और देखते हैं आपको कल वीडियो भी देनी है। वैसे ही 3 दिन गैप हो गया है तो वीडियो एडिट करके मैं 9 बजे का शेड्यूल लगा दूंगा, क्योंकि मेरी वीडियो रोज़ 9 बजे मिलेगी आपको। हो सकता है बीच में कभी कभार गैप हो जाए तबीयत तो ख़राब होने की वजह से, नहीं तो मैं गैप नहीं होने दूंगा। ब्लॉग आपको डेली का डेली मिलेगा, 9 बजे मेरा ब्लॉग आने का टाइम है, आप 9 बजे रेडी रहा करिए, ब्लॉग आपको मिलेगा। जिस दिन नहीं आता है ब्लॉग उस दिन मैं कुछ ना कुछ करके शॉर्ट्स वीडियो वगैरह करके कुछ ना कुछ डालूंगा ज़रूर, बट आएगा ज़रूर वीडियो चैनल पे कुछ ना कुछ तो आएगा। इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहिए और बहुत अच्छा लगता है यार, आप जब इस तरीके से प्यार देते हैं तो दिल को खुशी सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि आप मोटिवेशन रहता है कि आप लोग को जल्द से जल्द वीडियो पहुंचाया जाए और आप लोग देखिए वीडियो को और प्यार दीजिए उस वीडियो पे। वीडियो आपको रोज़ मिलेगा, आपका मोटिवेशन इसी तरीके से मेरे साथ रहे। मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं होऊंगा। बहुत लोग होते हैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, सब कुछ स्टार्ट करते हैं लेकिन वो एक टाइम पे डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट मैं ऐसा नहीं होने वाला हूँ। आपको वीडियो हरदम मिलने वाली है, हर समय मिलेगी वीडियो। और अभी चलता हूँ मैं वीडियो एडिट करने और आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। और इन भाई साहब को देखिए, ये इधर देखो, ये यही हमको आगे अभी उठा के गए हैं, देखो इधर देखो, लकी 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 कुछ नहीं, हरदम दिन भर खाना है, दिन भर खाना है, देखो दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए इसका, खा खा के मोटा हो गया है। चलिए मैं वीडियो एडिट करता हूँ, बाकी ये लोग तो आपको हरदम वीडियो में मिलेंगे अभी। बाकी मेरा यार अभी IIMC वाला भी प्लान है, देखते हैं उसका भी कुछ ना कुछ, अभी तक मैंने कुछ नए रिसर्च किए है, उसका भी रिसर्च करना है। मैं उसके लिए भी कल सुबह उठ के एक बार मैं रिसर्च करूँगा। आज तो वीडियो एडिटिंग करने में ही टाइम चला जाएगा, क्योंकि एडिटिंग अपलोडिंग सब कुछ टाइम लगता है। तो चलते हैं पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर IIMC वाला भी आपको बताएंगे रिसर्च करके सारी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। टाटा।